तो गाइस जिस जगह पे मैं अभी हूँ आई जस्ट एब्सोल्युटली कैन नॉट बिलीव माय आईज, दिस हैज बीन वन ऑफ माय ड्रीम्स टू रीच दिस प्लेस और फाइनली मैं इस जगह पहुँच गया हूँ। जैसा आप लोग यहाँ पीछे देख सकते हैं ये मेरी मोटरसाइकिल है और ये चेक कीजिए आप यहाँ से ब्रो, ये जो पार आप लोगों को पूरा व्यू दिख रहा है ना, जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा पाकिस्तान है भाई। ओह माय गॉड, देखिए क्या नज़ारे हैं, लुक एट दिस, आई कैन लिटरली जूम एट दोज गाइज, लिटरली जस्ट जूम एट दोज गाइज। What's going on YouTube? Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog of mine. This is going to be one heck of an adventure. क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ from India to Pakistan on my motorcycle. और जिस जगह मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम केरन है, ये बिल्कुल LOC पे पड़ता है, on the opposite side is Pakistan. बीच में किशन गंगा रिवर है और इस वाली तरफ हम हैं। निकलते हैं गाइज अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे मेरे दो फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं, फरहान भाई और नज़ीर भाई, जो रिसेंटली मेरे साथ आए थे। केरन वैली जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता पटन से होके जाता है, दूसरा रास्ता गांदरबल से होके जाता है। हम लोगों ने गांदरबल वाला रास्ता प्रेफर किया है। अभी मैं हूँ गाइस फोरशोर रोड पे, ये NH1 हाईवे है, यही हाईवे हमें पकड़ना है पूरा गांदरबल तक। फिर गांदरबल से हम लोग लेफ्ट लेंगे और हम लोग पहुँचेंगे सीधा सुंबल, और फिर सुंबल से हम लोग जाएंगे सोपोर, और फिर सोपोर से कुपवारा। इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग राइड। काफ़ी अच्छा रोड है ये NH1, दिस इज़ द सेम रोड जो लेह लद्दाख की तरफ भी जाता है। बढ़िया सा रोड है, बढ़िया सा व्यू आता है इस रोड पे, फील्स रियली वेरी नाइस टू राइड ऑन दिस रोड। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मेन मार्केट गांदरबल में। अब यहाँ से हमें सीधा जाना है सुंबल की तरफ, और फिर सुंबल से सीधा हम लोग जाएंगे अपना कुपवारा की तरफ। काफ़ी अच्छा रोड है भाई, आई थिंक वी आर अबाउट टू अप्रोच मॉडल टाउन सोपोर। ये जो आप मेरे राइट पे देख रहे हैं, आई एम 110% श्योर ये सब एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, दीज आर ऑल दी ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल। इतने सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स, आई थिंक इतने ज़्यादा ऑर्चर्ड्स जो आप अपना यहाँ से जाओगे पहलगाम जब जाओगे तो ऑन रूट जो बिजबिहारा साइड आता है वहाँ से भी इतने सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स नहीं है। हाउ मेनी काउज देर आर ऑन दिस साइड, देखिए कितनी सारी गाय इस साइड पे हैं, कितना बड़ा मैदान है, खुला मैदान है, अच्छा मैदान है भाई साहब। आई हैव नेवर सीन दिस पार्ट ऑफ कश्मीर, ये पहली बार है एक कश्मीरी होते हुए जो ये वाला साइड है मैं पहली बार देख रहा हूँ। वाओ मैन, ओवर इस साइड पे बेड है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज भाई, इतना ज़्यादा खुले खुले मैदान, नेवर सीन दिस बिफोर इन कश्मीर भाई, सीम्स एन एंटायरली डिफरेंट प्लेस। और पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई ये दलदल टाइप लग रहा है। गाइस जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है आई थिंक दिस इज वुलर लेक, क्योंकि देखिए घर किस तरह के बनाए गए हैं यहाँ पे, देखने लायक चीज़ है। वाओ किस तरह के घर बनाए हैं, डंडियों पे खड़े हैं ये घर, दिस इज वुलर लेक भाई, दिस ओवर हियर इज वुलर लेक, डिडंट नो। इस सोपोर के टाउन में रुकते हैं थोड़ी देर, चाय वगैरह पीते हैं। तो गाइज ये रहे हमारे आलू के पराठे, ये रहे नज़ीर भाई, ये रहे फरहान भाई, और अब हम लोग जल्दी से आलू के पराठे को फिनिश करेंगे और सीधा निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। गाइज हमारा नाश्ता भी हो गया है, नाश्ता करके हम लोग अब निकल रहे हैं अपने सोपोर टाउन से। फिलहाल हम अभी खाली खींचे जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है जो कुपवारा की तरफ जाता है। गाइज यकीन ही नहीं आ रहा है कि हम लोग अभी बॉर्डर पे जा रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान ऑन मोटरसाइकिल। एप्पल ऑर्चर्ड्स दिखने फिर से स्टार्ट हो गए हैं, रास्ता बिल्कुल सीधा है, एकदम सीधा अच्छा रास्ता है। जिससे कुपवारा हम लोग पहुंच गए हैं गाइज, वाओ
अभी गाइस मौसम काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा है, अब लग रहा है मेरे को कि थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है। एंड चेक आउट गाइस ये कितनी खूबसूरत पहाड़ी है ऑन माई राइट। वाओ गाइस द लैंडस्केप इज चेंजिंग रियली वेरी फास्ट, व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए गाइस दिस इज समथिंग रियली वेरी डिफरेंट जो हर दिन नहीं दिखता आपको भाई। दिस सीनरी दिस लैंडस्केप इज रियली वेरी डिफरेंट फॉर मी, वेरी डिफरेंट दैन पहलगाम। पहलगाम से अलग है, सोनमर्ग से अलग है, गुलमर्ग से अलग है, दूध पथरी से भी अलग है। इन जगहों से बिल्कुल हट के ये जगह है, यहाँ की लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट है। ओके यहाँ पे एक और साइन बोर्ड आ रहा है, कुपवारा 1 किलोमीटर, चौकी बल 25, टंगडार वगैरह। मेन टाउन कुपवारा, आई डोंट नो ये कौन सी नदी बह रही है, नीलम भी हो सकती है, हु नोज। लेकिन ये आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कुपवारा का मार्केट। फाइनली हम लोग कुपवारा पहुंच गए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मेन मार्केट कुपवारा। तो कैसा लग रहा है फरहान भाई मेन मार्केट कुपवारा पहुंच के? ऐसा मार्केट मुझे लगता था ऐसा नहीं होगा, मुझे भी मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेन चीज भाई मैं यही कहूंगा कि यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, मेरे को ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा कंपैरेटिवली पहलगाम गुलमर्ग सोनमर्ग, जो वहाँ के लैंडस्केप था ना उनसे बहुत डिफरेंट है। आप देखिए मार्केट के कितने क्लोज में माउंटेन पड़ता है भाई। वाओ ब्रो। तो बस अब हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं करालपुरा पुलिस स्टेशन से, जहाँ से हमें परमिशन लेना है केरन वैली के लिए। अभी का अगर टाइम की बात की जाए तो 1:15 बज रहे हैं और करालपुरा पुलिस स्टेशन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी आई थिंक हमें 1 घंटा लग जाएगा, मान के चलो 3 बजे हमें परमिशन मिलेगा, ऐसा मैं एस्टिमेट लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह 3 बजे हम लोग निकलेंगे करालपुरा से, 3:30 बजे, 4 भी बज सकते हैं कि जब हम निकलेंगे करालपुरा से सीधा केरन वैली की तरफ, विच इज़ गोइंग टू टेक अनदर 2 आवर्स एट लीस्ट फ्रॉम देयर। एस्टिमेट है भाई 6-7 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे केरन। यही है भाई, दिस इज करालपुरा पुलिस स्टेशन। गाइस फाइनली हम लोग करालपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं, यहां से हम हमारी परमिशन लेंगे एलओसी केरन के लिए। भाई थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। फाइनली गाइस फाइनली परमिशन आ गया है और हम लोग अब जा रहे हैं केरन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो सीधा होगा केरन वैली में। अभी टाइम हो रहा है 2:52, आई थिंक मेरा एस्टिमेट यह है कि एटलीस्ट 5:30-6 बजे के करीब हम लोग केरन पहुँचेंगे। मौसम की बात की जाए तो मौसम भी यार ओवरकास्ट है अभी, दैट इज़ दी प्रॉब्लम कि मौसम भी ओवरकास्ट है। बस बारिश ना लग जाए, फिर रेन गियर वगैरह निकालना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या खूबसूरत सा व्यू है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, एक नंबर, प्रॉपर एक नंबर व्यू है यहाँ से। इन पाइन ट्रीज के फॉरेस्ट से होते हुए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे डीफॉरेस्टेशन भी कम हुआ है कंपैरेटिवली जो पहलगाम वाली साइड हुआ है या फिर सोनमर्ग वाली साइड हुआ है, इवन नारानाग साइड वाली भी जो हुआ है, बट यहाँ से थोड़ा कम डीफॉरेस्टेशन हुआ है, बट रोड इज़ वेरी गुड। तो कैट हाउस सीनिक दिस इज ब्रो, भाई साहब नेक्स्ट लेवल ब्यूटी माशाल्लाह। ओके दिस पाइन ट्रीज ब्रो, देखिए कितने ऑसम लग रहे हैं पाइन ट्रीज। थोड़ा थोड़ा ये जो रोड है ना, ये गुलमर्ग जैसा रोड है, हालांकि वो रोड तो काफ़ी शॉर्ट है, कुछ किलोमीटर्स का है, 20 किलोमीटर का होगा हार्डली, बट ये वाला रोड काफ़ी लंबा है, नियरली 60 किलोमीटर्स। अभी काफ़ी दूर है केरन, रोड अभी तक तो पक्का है, तो इसलिए जितना खींच सकते हैं उतना खींचने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऑल्दो बाइक की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच है। माय गॉड भाई कितनी खूबसूरत वैली है ये, जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, कितना रिफ्रेश लग रहा है मेरे को। और इतनी ज़्यादा ताज़ी हवा मैंने पहलगाम में भी नहीं देखी है, मैंने गुलमर्ग में भी नहीं देखी है, मैंने कहीं भी नहीं देखी है।
भाई साहब दिस प्लेस इज जस्ट एब्सोल्युटली ऑसम, नेक्स्ट लेवल प्लेस है यार। तो यहाँ की ब्यूटी इज समथिंग एल्स, दिस लाइक नो अदर प्लेस कैन मैच दिस प्लेस। यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है भाई साहब, इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लग रही है ना मेरे को इस हवा से, कितनी ज़्यादा ताज़ी हवा है, कितना ऑक्सीजन है यहाँ। दूसरी बात ये, क्योंकि हम काफ़ी हाइट से नीचे भी बहुत ज़्यादा आए हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ की इतनी ताजगी में। यहाँ से गाइस कच्ची सड़क स्टार्ट हो गई है, माय गॉड बहुत ज़्यादा कच्ची, कच्ची भी नहीं बहुत ज़्यादा कच्ची। अब तो रोड की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है, आई डोंट इवन नो ये वाला स्ट्रेच कितना लंबा है। यहाँ से गाइस हमारी प्रॉपर ऑफ रोडिंग शुरू होती है। ओ माय गॉड भाई साहब, ओ माय गॉड भाई साहब, रास्ता इज अनएंडिंग। पानी भी शानदार, व्यू भी शानदार, बट हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं रहे हैं भाई, लेंथी और लेंथी होए जा रहा है। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव माई आईज गाइस, जो आप वो सारा ऊपर देख रहे हैं ना, दैट्स ऑल पाकिस्तान, और इस साइड इंडिया। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भाइयो क्या बात है, क्या बात है, कोबरा पोस्ट। और वो जो गाइस आप वहां पे लोग देख रहे हैं ना, दे आर पाकिस्तानीज, ओ माई गॉड, वो पाकिस्तानी लोग वहां बैठे हैं, ओ माई गॉड। यार ऐसी जगह पे पहुंच के जो मेरा दिल है ना वो कम्प्लीटली गार्डन गार्डन हो गया है। कैंपिंग एजेंसी तो ये रही, बट उतरेंगे कैसे, यही है, उतरेंगे कैसे वहां से भाई, आई डू नॉट बिलीव माई आईज। जो आप लोगों को मेरे आगे वो नज़ारा दिख रहा है ना, दैट इज POK ब्रो, दैट्स पाकिस्तान, सो क्लोज आई एम। अरे भाई लुक एट दिस ब्रो, लुक एट दिस, लुक एट दिस, वाला मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। खाना सब कुछ, सोना खाना, गाना बजाना सब कुछ मिलना चाहिए। इस जगह पे मैं अभी हूँ, आई जस्ट एब्सोल्युटली कैन नॉट बिलीव माई आईज, दिस हैज बीन वन ऑफ माई ड्रीम्स टू रीच दिस प्लेस, और फाइनली मैं इस जगह पहुंच गया हूँ। जैसा आप लोग यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये मेरी मोटरसाइकिल है, और ये चेक कीजिए आप यहाँ से ब्रो, ये जो पार आप लोगों को पूरा व्यू दिख रहा है ना, जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा पाकिस्तान है भाई। ओ माय गॉड, देखिए क्या नज़ारे हैं, लुक एट दिस, आई कैन लिटरली जूम एट दोज गाइज, लिटरली जस्ट जूम एट दोज गाइज, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये लोग सब यहाँ हैं, सो क्लोज आई एम। Oh my God. Next level. इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अब मैं आप लोगों को जो पूरा केरन वैली का एक्सप्लोरेशन है वो कल के वीडियो में दूंगा, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जरूर से चेक करें। खूबसूरत वादियों से मेरा सलाम आप लोगों को, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।